और चलिए रुद्रप्रयाग की बात करेंगे, जहां पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े ने जिले में नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनता के बीच जाकर जनसंवाद के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुना जाए। इससे थाना दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत तल्ला नागपुर के चौकी दुर्गाधार से की गई है। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक का गाजीबाजी के साथ स्वागत किया है। महिला मंगल दल और प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वागत गान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियां दी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात को रखने का मौका मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पहली बार तल्ला नागपुर क्षेत्र के भीतर पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम किया गया, क्योंकि इससे पहले हमारा क्षेत्र पटारी क्षेत्र में आता था और हम सब लोगों ने, तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस चौकी के लिए मांग उठाई थी। और स्वयं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्वयं DGP महोदय के पास कई बार हम लोग गए और आज हम हमने दुर्गाधार चौकता में जो है जनसंवाद एवं थाना दिवस का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया था। यहाँ पे इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, गणमान्य व्यक्ति, महिला शक्ति एवं महिला मंगल दल की सदस्य, साथ साथ स्थानीय निवासियों ने प्रतिभाग किया था। इसमें हमने यहाँ पे लोगों की जो भी समस्याएं उनको सुना एवं उनके जो है सुझावों को नोट डाउन करते हुए उसमें जल्द से जल्द उपाय देने के लिए जो है उनको आश्वस्त किया है। साथ ही यहाँ पे हमने उन लोगों को जो है साइबर क्राइम हो गया, नशा हो गया, मैं सभी सम्रांत जनता से, व्यापार संघ के अध्यक्ष कोन्याल जी से भी ये निवेदन करूँगी कि जो दारू नीचे से बोतलें ली जाती हैं और उसके लिए थोड़ा पर्दा होना चाहिए, क्योंकि हमारे भी वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, बच्चे देखते हैं तो कहीं लोग दारू के लिए जाते हैं तो बोतल हाथ में रख के। देखिए, जो ये जनसंवाद कार्यक्रम था ये पुलिस और आम जनता के बीच कैसे समन्वय स्थापित हो उसलिए था, और इसमें जो SP मैडम है उनके द्वारा जो ये पहल की गई है हमारे तल्ला नागपुर के लिए, ये बहुत अच्छी पहल है और ये जगह जगह भी करेंगे इन चीज़ों को। देखिए, पुलिस क्षेत्र में आने से काफ़ी फायदे हैं आम जनता को।